गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभातम। टुडे इज व्हाट डेट? 25 ऑफ सितंबर एंड वी आर इन क्लास संस्कृत और क्लास स्टैंडर्ड सिक्स सब्जेक्ट संस्कृत ऑन 25th सितंबर। We are here to read about chapter 4th. In chapter 4th, there is about Sankhya. In chapter 4th, in your book, written about Sankhya. Sankhya, you know? 1, 2, 3, 4 number. तुम लोग जानते हो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, तो तुम लोगों को यहाँ पे संस्कृत में 12 तक ही है। इस बार इस कक्षा में 6th में 12 तक ही आप लोगों को पढ़ना है संस्कृत में संख्या के विषय में। ऐसे आप लोग हिंदी में और इंग्लिश वो गिनती सब जानते ही होंगे 100 तक, तो ये भी कोई हार्ड नहीं है, ये सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है, ईजी है। और इसे हम लोग वर्ड में कैसे लिखेंगे और नंबरिंग में कैसे लिखेंगे ये मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। सो हियर आई कम टू टीच यू अबाउट संख्या नंबर। एक, एकम, एक बोलते हैं एकम को। दो, द्वे, थ्री, 1, 2, 3, 3 त्रीनी, 4 चत्वारी, 5 पंच, 6 षट, 7 सप्त, 8 अष्ट, 9 नव, 10 दस, 11 एकादश एंड 12 द्वादश। तो हम लोग द्वादश तक ही पढ़ेंगे इस क्लास में। वंस मोर, वन क्या है? वन इज एकम, टू इज द्वे, थ्री इज त्रीनी, 4 इज चत्वारी, 5 इज पंच, 6 इज षट, 7 इज सप्त, 8 इज अष्ट, 9 इज नव, 10 इज दस, 11 इज एकादश एंड 12 इज द्वादश। सो यू नो दिस नेम ऑफ द नंबर। एकम बोलते हैं वन को, वन। द्वे बोलते हैं टू को, टू। त्रीनी, थ्री। चत्वारी, फोर। पंच, फाइव। षट, सिक्स। सप्त, सेवन। अष्ट, एट। नव, नाइन। दस, दस का दस ही हो जाएगा। एकादश, इलेवन। द्वादश, एक। एक और दस, एक और दस मिला हुआ है। एकादश क्या होते हैं? 10 एंड 1 मिल करके एकादश होता है, 11 होता है, 11 होता है। तो यहाँ वर्ड ही है एक और दस, एकादश, एक दस, एकादश, एक दस, एकादश, तो 11। द्वादश, द्वा से हम लोग क्या पता चलता है? दो, टू, द्वे, तो द्वादश, द्वादश, एकादश, द्वादश, ऐसे 11 एंड 12। और मजे की बात है कि पांच से 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 में आपको कुछ याद ही नहीं करना है। पंच का पंच, षट का षट, सप्त का सप्त, अष्ट का अष्ट, नव का नव, दस का दस, ये ज्यों का त्यों ऐसे ही वर्ड होता है। पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दस, ये तीनों लिंगों में ऐसे ही चलता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग,
कहीं भी इस संख्या की बात होगी तो हम ये सेम रूप उसको लिखेंगे। जैसे पांच लड़का आ रहा है, पंच बालक आयति, उसमें पंचवर्ण ही होगा। और पांच लड़की आ रही है, पांच लड़कियां आ रही हैं, तो पंच को पंचा नहीं बोलेंगे, पंच का पंच ही रहेगा, पंच बालिका आयति। पांच पक्षी उड़ रहे हैं, पंच खगा उड्डयती, उड्डयंती हो जाएगा, जैसे बहुवचन है तो बहुवचन का रूप देंगे। लेकिन इसमें एकम का तो एकम द्वे त्रीणी चत्वारी, इसमें हम लोगों को ध्यान देना है। एकम हो गया नपुंसक लिंग का, जिसमें माँ हलंत है, तो ये नपुंसक लिंग में एकम हम लोग यूज करते हैं। और इसी चीज को अगर पुलिंग में करना है कि एक लड़का है तो एका बालका अस्ति, पुलिंग में क्या करेंगे, मस्कुलिन में विसर्ग लगा देते हैं। मस्कुलिन वर्ड जब बनाना है तो एका एका बालका अस्ति, एका बालका अस्ति। और यही अगर किसी बालिका के विषय में बात कर रहे हैं, अगर किसी बालिका के विषय में तो एका हो जाएगा एका, और बालक को बन जाएगा बालिका। एका बालिका अस्ति, पुल्लिंग में एकम, स्त्रीलिंग में एका बालिका अस्ति, और एकम एकम चटकम अस्ति, एकम चटकम तो नहीं, चटकम तो स्त्रीलिंग वर्ड है। एकम पुस्तकम अस्ति, पुस्तक तुम लोगों के पास है, नपुंसक लिंग है, तो एकम पुस्तकम अस्ति। तो इस तरह एकम का क्या क्या वर्ड मिला हम लोगों को, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में, फेमिनिन। अच्छा इसके बाद समझाती हूँ, ये वर्ड मिला हमें फेमिनिन में, फेमिनिन। फिर मस्कुलिन में एक वर्ड आ गया, एक बालक अस्ति। एंड ये नपुंसक लिंग में एकम पुस्तकम अस्ति, न्यूटर, न्यूटर जेंडर। एकम पुस्तकम एकम पुस्तकम अस्ति, अंडरस्टूड। तो इस तरह ये वर्ड मिला एकम, एका और एक, एक वन के लिए जो वर्ड है एकम हम लोग सीखे हैं, ये नपुंसक लिंग में न्यूट्रल जेंडर में एकम हो जाएगा। एकम पुस्तकम अस्ति, पुस्तकम चूंकि न्यूट्रल जेंडर का वर्ड है तो वो न्यूट्रल जेंडर के वर्ड के साथ एकम वर्ड यूज करिए, एकम संख्या में लगाएंगे। और जब ये फेमिनिन वर्ड आएगा, बालिका इज फेमिनिन, तो यह भी एक के लिए हम लोग फेमिनिन बना के उसको एका यूज करेंगे। और मस्कुलिन में बालिका जब आता है, मस्कुलिन कोई भी वर्ड होगा, तो एका विसर्ग वाला यूज करते हैं। एक चीज ध्यान देने की है कि मस्कुलिन जब भी हो तो विसर्ग ध्यान देना, और जब फेमिनिन हो तो ये आकारांत, और जब ये हलंत वाला वर्ड हो तो ये न्यूट्रल जेंडर का हो जाता है वर्ड। समझ गए बात, ऐसे द्वे में होता है, द्वे का द्वे 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 ही होता है, द्वे का द्वे 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 ही होता है।
द्वे द्वा द्वा भी होता है द्वा भी होता है दो त्रिनी त्रिनी का क्या होता है त्रय त्रिसरा और त्रिनी त्रिनी ये भी न्यूट्रल जेंडर का है ये भी त्रिनी पुष्पानी सन्ति त्रिनी पुष्पानी सन्ति पुष्पम न्यूट्रल जेंडर का है तो तीन वर्ड जब आएगा कि तीन फूल हैं तो त्रिनी पुष्पानी सन्ति और जब नपुंसक का हो गया न्यूट्रल जेंडर का मस्कुलिन में जब आएगा तो ये त्रय हो जाएगा मस्कुलिन में इन मस्कुलिन त्रय इन मस्कुलिन इट बिकम त्रय एंड व्हेन इट व्हेन वी यूज इन फेमिनिन वर्ड विद फेमिनिन वर्ड तो तीन थ्री के लिए हम लोग यूज करेंगे त्रिसरा त्रिसरा त्रय त्रिसरा एंड त्रिनी त्रय त्रिसरा एंड त्रिनी त्रय त्रिसरा एंड त्रिनी इसी तरह चतुवारा अच्छा फोर के लिए चतुवारा चतुसरा और चतुवारी चतुवारी जो है ये न्यूट्रल जेंडर का हो गया चतुवारा न्यूट्रल जेंडर का हो गया चतुवारा चतुसरा चतुवारा हो गया जो मस्कुलिन का और चतुसरा हो गया फेमिनिन वर्ड राइट डाउन दिस वर्ड एकम एकम द्वे त्रीनी चत्वारी पंच फाइव सट सिक्स सप्त सात अष्ट आठ नव नाइन दस टेन एकादश इलेवन द्वादश ट्वेल्व क्लियर आज हम लोग संख्या के विषय में ही पढ़ रहे हैं अब हम लोग देखेंगे कि ये जेंडर में कैसे होता है जेंडर में जैसे मस्कुलिन इसमें इस जेंडर में चार का ही चेंज होता है एकम तीन का ही एकम एकम और फेमिनिन में एका द्वे 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 अब थ्री थ्री का त्रय त्रिसर और इसमें फोर्थ के लिए चतुवारा चतुवारा फेमिनिन में चतुस्रः और न्यूट्रल में चतुवारी न्यूट्रल में चतुवारी बाकी इसके बाद फोर के बाद फाइव का फाइव से लेकर के बाकी सभी में सेम ही एक वर्ड आपको याद करना है
पंच 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 सठ 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 सप 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 अष्ट 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 नौ 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 दस 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 एकादश 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 द्वादश द्वादश द्वादश। तो वो तीनों रूप में सेम उसका चलेगा, तीनों जेंडर में सेम रूप चलेगा, मस्कुलिन में, फेमिनिन में और न्यूट्रल में सेम रूप चलेगा। पंच 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 सठ सठ सठ, उसके बाद बस एक ही याद कर लेना है, पंच सठ सप्त अष्ट नव दश एंड एकादश एंड द्वादश, एकादश एंड द्वादश। हाँ, तो ये बाकी जो मैंने रेड से लिखा, जो मैंने रेड से लिखा, ये सेम ऐसे ही चलेगा तीनों जेंडर में। ये जो भी ये जितने भी हैं ये सब एक जैसे चलेंगे तीनों जेंडर में। बस याद क्या करना है, तीन को ही याद करना, द्वे का भी द्वे 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 आप यूज कर सकते हो, एका एका एकम, त्रया त्रिस्रा त्रिनी, चत्वारा चतस्रा चत्वारी। बस अगर हम लोग बोलते हैं कि एक बालक है तो क्या बोलेंगे, बालक इज मस्कुलिन जेंडर, सो वी यूज एक, बालक एक बालक है तो बालक मस्कुलिन है तो मस्कुलिन एक यूज करेंगे, मस्कुलिन एक में एक बालक, जैसे बालक में विसर्ग है तो वैसे ही एक में विसर्ग, एका बालका अस्ति। और व्हेन वी यूज बालिका, एक बालिका है तो बालिका में विसर्ग नहीं है, आकार है, तो यहाँ भी आकार एका, एका बालिका अस्ति, जैसे बालिका वर्ड है वैसे एका वर्ड है। और अगर हम बोलते हैं कि एका एक एक पुस्तक है, यह इदम पुस्तकम अस्ति, इदम एका पुस्तकम अस्ति, एतत एकः पुस्तकः, एकम पुस्तकम अस्ति, पुस्तकम अस्ति जब बोलेंगे तो पुस्तकम में मा हलंत लगा हुआ है, वह तुरंत पता चला गया न्यूट्रल जेंडर। इन न्यूट्रल जेंडर ऑलवेज यू कैन सी मा हलंत, यू फाउंड मा हलंत ऑलवेज इन न्यूट्रल जेंडर। एंड आकारांत आकारांत यू फाइंड इन ये फेमिनिन वर्ड, मतलब ज़्यादातर होता है अपवाद में भी है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, शब्द रूप धातु रूप जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये सब पढ़ेंगे। और लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है, अभी के लिए सिक्स क्लास के लिए आप लोग ऐसे ही समझ लो कि आकार जहाँ है वो स्त्रीलिंग वर्ड है, फेमिनिन वर्ड है, मा हलंत जहाँ है ये पुलिंग, ये आकारांत वाला स्त्रीलिंग फेमिनिन वर्ड है, मा हलंत वाला ऑलवेज न्यूट्रल जेंडर। एंड द विसर्ग, विसर्ग वेर यू सी विसर्ग, इट विल ऑलवेज मस्कुलिन, इट विल ऑलवेज मस्कुलिन जेंडर। तो इस प्रकार हम लोग सेंटेंस में भी संख्या को ऐसे फिट करते हैं। अब जैसे बोलते हैं कि तीन बालक हैं, तीन बालक हैं, यहाँ त्री तीन बालक हैं, तो अत्र त्रय बालक अस्ति, अत्र त्रय बालक अस्ति, यहाँ तीन लड़कियां हैं, अत्र तीन लड़कियां हैं, तो यहाँ लड़कियां हैं, पहले इतना सेंटेंस लो, लड़कियां लड़कियां हैं, अत्र बालिका सन्ति, अत्र बालिका सन्ति, तो तीन बालिका है तो त्रयः बालिका सन्ति नहीं होगा, बालिका वर्ड है, आकारांत है, तो त्रिस्रः इसके लिए, ये आप लोगों को याद करना होगा, यहाँ आकारांत नहीं है, इसके लिए स्त्रीलिंग वर्ड है त्रिस्रः, तो ये दो ही याद करना है, दो तीन ही याद करना है, बस एका एका एकम, त्रयः त्रिस्रः त्रीणी, चत्वारः चतस्रः चत्वारि। तो ये तीसरा, अत्र तीसरा बालिका सन्ति,
और जब तीन पुस्तक की बात करेंगे कि मेरे पास तीन पुस्तक हैं, तो मया पार्श्वे त्रीनी पुस्तकानि सन्ति। त्रीनी भी आ गया वर्ड और उसके अनुसार पुस्तकानि भी आ गया, क्योंकि पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि उसका भी बहुवचन लेंगे, तो मया पार्श्वे त्रीनी पुस्तकानि सन्ति। इसी तरह चार के लिए भी है, फोर वर्ड के लिए भी है कि फोर, चार बालक हैं, चार कोई दूसरा वर्ड भी ले सकते हो, बालक का ही बात नहीं है, चार आदमी है, चार आदमी है, तो चत्वारा नरः सन्ति, नरः नरौ नराः, तो बहुवचन में यूज करेंगे, चत्वारा नरः सन्ति। और चार औरतें हैं तो चतस्रः नारी सन्ति। और चार पुष्प हैं, चार पुष्प हैं, अगर पुष्प की बात करें तो पुष्प भी नपुंसक है, पुष्पम वर्ड है, तो चत्वारी पुष्पाणि सन्ति, चत्वारी पुष्पाणि सन्ति। इस तरह ये बस याद करना है, बाकी सब में क्या है याद करने की जरूरत नहीं है, ये नपुंसक, ये मस्कुलिन फेमिनिन और न्यूट्रल याद करने की जरूरत नहीं है, ओनली पंच षट सप्त अष्ट नव दस एकादश एंड द्वादश, यू हैव ओनली 12 संख्या इन क्लास 6, सो नॉट वेरी हार्ड, यू रिमेंबर इजीली, अंडरस्टूड दिस थिंग, ये लिख लो, एका एका एकम, द्वे द्वे द्वे, त्रया त्रिस्रा त्रीनी, चत्वारा चतस्रा चत्वारी। जब हम लोग लड़का के बारे में कोई भी पुल्लिंग वर्ड के बारे में लिखेंगे, चार तो चत्वारा लिखेंगे, तीन तो त्रया लिखेंगे, एका लिखेंगे, और जब स्त्रीलिंग कोई भी वर्ड आएगा तो उसके साथ चतस्रा त्रिस्रा और एका लिखेंगे, और जब नपुंसक लिंग की बात होगी, पुष्प की, पुस्तक की, पत्रम की, तो चत्वारी त्रीनी और एकम लिखेंगे, बाकी में कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बस संख्या याद करने की जरूरत है, पंच षट सप्त इसका स्पेलिंग याद करने की जरूरत है, स्पेलिंग पंच कैसे लिखेंगे, प ये आधा य, आधा य और च, पंच। षट कैसे लिखेंगे, तो ये प वाला स मूर्धन्य स इसे बोलते हैं, मूर्धन्य स इसका उच्चारण, इस स का उच्चारण मूर्धा से होता है, इसीलिए इसे मूर्धन्य स बोलते हैं, मूर्धन्य स, ट और हलंत, स्पेलिंग याद करना। सप्त, स आधा प और त, प त संयुक्त इसे बोलते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं सपत लिख देते हैं, प पूरा लिख देते हैं, तो देट इज रॉन्ग, ना रॉन्ग हो जाएगा, फिर मैं एग्जाम में रॉन्ग कर दूंगी, तो इसीलिए सप्त जैसे हम उच्चारण कर रहे हैं, सप्त प को जल्दी से उच्चारण किए तो आधा प लिखना है, सप्त। अष्ट, अ और वही मूर्धन्य स वाला आधा स और ट, अष्ट अष्ट। नव में नव, नव दश, दश में ये वाला स है तालव्य स, ये गोल वाला स तालव्य स, तो दश, एकादश, एक और दस को जोड़ दिया तो एकादश वर्ड बन गया, और द्वादश, दो और दस को जोड़ दिया तो द्वादश बन गया, तो इस तरह ऐसे ही आगे है त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, षडश नहीं होता है, सोलह का क्या होता है षोडश, फिर सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशति, बीस को बोलते हैं विंशति। तो ये बात समझ आ गई, लिख लिया आप लोगों ने, ये हम लोगों ने जाना मस्कुलीन फेमिनीन और न्यूट्रल जेंडर में हम लोग संख्या को कैसे यूज करेंगे। अभी इसको दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे कि राइट द वर्ड, राइट इन वर्ड, नंबरिंग दे देगा, नंबरिंग देगा एग्जाम में, वन टू थ्री फोर फाइव, एंड लिख देगा कि राइट, राइट इन वर्ड,
और दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन होता है कि राइट इन नंबर, राइट इन नंबर, NUMBER, राइट इन नंबर, ये सेकेंड क्वेश्चन, ये दो टू क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे ये है, 1, 2 है, 5, 6, तो 2 के लिए हम लोग लिखेंगे रेट इन संख्या, ये वर्ड वाला बता रही है, वर्ड में द्वे, फिर त्रय, त्रय, आप इसमें कोई भी जेंडर में लिख सकते हो, जब संख्या की बात होगी तो ओनली त्रय लिख सकते हैं, त्रिनी भी लिखेंगे तो भी सही होगा, त्रिनी लिख देंगे तो भी सही होगा, चत्वारा, चत्वारा, पंच और षट, ये हो गया इन वर्ड। और जब नंबर की बात आती है, नंबर में लिखो, अभी ये नहीं देंगे, अभी ये नहीं देंगे, ये वर्ड देंगे और बोलेंगे कि राइट इन नंबर, तो नंबर में हम लोग क्या लिखेंगे, 2, 3, 4, 5 and 6, दिस इज नंबर एंड दिस इज वर्ड इन इन वर्ड इन वर्ड, ये वर्ड में ये ऐसे लिखेंगे, नंबर में ऐसे लिखेंगे, तो दो तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं, राइट इन वर्ड ये देगा और ये लिखना है, फिर बोलेंगे राइट इन नंबर तो ये देगा और ये लिखना है, ऐसे, दिस इज नंबर एंड दिस इज वर्ड है, तो संख्या, ये भी संख्या है, ये भी संख्या है। और क्या है, ये भी संख्या है, ये भी संख्या है, अब जैसे कोई चित्र बना देगा, कोई चित्र है, फ्लावर है मान लो, अब यहाँ पे संख्या लिखिए, ये गिनती करके, काउंटिंग बाय काउंटिंग राइट डाउन द वर्ड, राइट डाउन द नंबर और वर्ड, तो यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखना होगा द्वे इन वर्ड एंड इन नंबर 1 एंड यहाँ पे त्रय और त्रिनी यू कैन राइट, फिर ये नंबर में 3, ये पंच एंड नंबर में 5, इन संख्या राइट डाउन, काउंट द पिक्चर, इनमें क्या आता है क्वेश्चन कि काउंट द पिक्चर एंड राइट इन वर्ड एंड नंबर आल्सो, काउंट डाउन द पिक्चर, इसको गिनती करो और राइट द नंबर इन वर्ड्स एंड नंबर आल्सो, तो ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, इसके ऊपर भी लिख देना है, दिस इज वर्ड एंड दिस इज नंबर, NUMBER नंबर लिख के ऐसे कर देना है, यहाँ पे WORD इन वर्ड लिख करके ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना है, तो इस टाइप का दोनों आंसर मिल गया।
राइट द फॉलोइंग नंबर इन फिगर, ऐसे भी बोल सकते हैं, फिगर में लिखो संख्या के विषय में और नंबर के विषय में। तो बहुत सारे ऐसे भी, जैसे आप लोगों के बुक में दिया है, सी हियर इन बुक फोर्थ चैप्टर संख्या, जैसे एक है, एक चित्र है, तो यहाँ पे एक वन दे दें।